प्यारे दोस्तों, कैसे हालचाल हैं आपकी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो आज की वीडियो देख के मेकअप को पसंद करने वाले लोग ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे। अगर आप जानते हैं तो आपको पता होगा, अगर आप मुझे जानते हैं तो आपको पता होगा कि मेरी स्किन पे स्कार्स हैं जिसको ख़त्म करने के लिए हम काम कर रहे हैं। फॉर टेम्परेरी पर्पस हम उसे मेकअप के साथ कवर करते हैं। मेरे चैनल पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिनमें मैंने आपके साथ शेयर किया है कि कैसे आप अपने स्कार्स को हाइड कर सकते हैं फाउंडेशन के साथ, कंसीलर के साथ या फिर कलर करेक्शन करके। क्योंकि जब आपके चेहरे पे स्कार पड़ जाते हैं तो उनको जाने में बहुत समय लगता है, अनलेस आप कोई ट्रीटमेंट करवा लें लाइक लेज़र्स, उसमें थोड़ा जल्दी जा सकते हैं। पर हमारे पास इतने पैसे तो होते नहीं है कि हम कर पाएँ, सो हमारा ट्रीटमेंट करते रहते हैं। तो टेम्परेरी पर्पज़ के लिए हम उसे मेकअप के साथ हाइड कर लेते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि उन स्कार्स की वजह से हम बुरा फील करें। अगर आपको लगता है कि आप स्कार्स के साथ पूरा कॉन्फिडेंट है, पूरा मज़ेदार फील करते हैं तो आप वेरी गुड। अगर आपको लगता है कि आपको उनको कभी कवर करने की ज़रूरत है तो आप उसको मेकअप की मदद के साथ हाइड कर सकते हैं। सो जो मेरी रीसेंट ऐसी वीडियोस हैं जिनमें मैंने टिप्स एंड टेक्निक्स शेयर की हैं कि कैसे आप अपने स्कार्स को हाइड करें, उनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी हैं वो ज़रूर से आपको हेल्प करेंगी। दूसरी चीज़ है कि उन वीडियोस पे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूं मेरी फेवरेट फाउंडेशंस जो वैसा ही काम करते हैं। मैं आपके लिए लेके आई हूँ 5 ऐसे फाउंडेशन जो आपके फेस को बहुत अच्छी कवरेज देते हैं और अफोर्डेबल ड्रग स्टोर से, क्योंकि हमारे पास हमेशा इतने पैसे नहीं होते हैं फाउंडेशन पर स्पेंड करने के लिए। सो यस, ये वीडियो होने वाली है मेरे टॉप 5 फेवरेट फाउंडेशन टू कवर माई स्किन लाइक फुल कवरेज। और दूसरी चीज़ है जो ये मेकअप है, पहले भी मैंने बताया कि ये टेम्परेरी सोल्यूशन है, सो आपको एवरी डे फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट आप ओकेजनली लगा सकते हैं जब भी आपको लगे। क्योंकि हमारे लोगों में ये प्रॉब्लम है कि कोई भी चाहता नहीं है कि उसके चेहरे पे दाग धब्बे या कुछ फ्लॉज हों यार, पर कई सिचुएशंस में हो जाता है ऐसे, लाइक कोई आपके हार्मोन्स की प्रॉब्लम से, कोई इंटरनल एक्सटर्नल कितने सारे फैक्टर्स जुट जाते हैं कि आपकी स्किन ख़राब हो जाती है। किसको अच्छा लगता है कि उसकी स्किन ख़राब हो? और जब लोग आपको पोक करते हैं कि तेरी स्किन पे क्या है क्या है क्या है, तो आप इरीटेट हो जाते हैं और उसी वजह से आप कॉम्प्लेक्स रहते हैं। सो कॉम्प्लेक्स मत हो, अगर आपको अच्छा लगता है आप इस तरीके से हाइड कर सकते। दूसरी चीज़ है कि परवाह मत करें आप। मैं करती हूँ, अगर मैं परवाह करूँ तो मैं वैसी वीडियोस बनाऊंगी नहीं जिसमें मेरा चेहरा मैं पहले दिखा दूँ स्कार्स वाला, फिर मैं आपको बता दूँ कि उसको आप ऐसे कवर कर सकते हैं। मुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हाइड भी कर सकती हूँ, पर इट्स ओके, आई डोंट केयर। सो बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स में पढ़ती हूँ कि मेरे बारे में वो चीज़ें लिखते रहते हैं कि तुम्हारी स्किन इतनी ख़राब है, तुम इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो उसको अपने चेहरे को ऐसे को लाने के लिए। सो या मैं वैसे हूँ, मुझे इतनी टेंशन नहीं है, कई बार मैं नहीं भी पहनती हूँ। पर यार स्कार्स किसी को अच्छे तो लगते नहीं हैं, इसलिए हमारा मुद्दा फड़क रहा है मुद्दा। सो हमारा आज का जो टॉपिक है वो जो हिल चुका है, सो टॉपिक पे रहते हैं। मैं आपके साथ 5 फाउंडेशन शेयर करने वाली हूँ, जल्दी से इन फाउंडेशंस को देख लें। एंड जो भी मैंने अपने वीडियोस की हैं कैसे कवर करें उनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी, अगर आपने नहीं देखी है तो देख सकते हैं। सो मेरा नंबर 1 फाउंडेशन है आजकल, जो मुझे लगता है कि आपने ऑलरेडी मेरे कितने सारे पास्ट वाले ट्यूटोरियल्स में देखा होगा या मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, जो है ये फाउंडेशन वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन। जो शेड मैं यूज़ कर रही हूँ वो है डेजर्ट बेज। कुछ दिन पहले मैं वॉलमार्ट में गई थी, ये आपको वॉलमार्ट में मिल जाएगा, मुझे लगता है रैक्सल में भी मिल जाता है, शायद शॉपर्स ड्रग मार्ट में भी होता है, अगर नहीं है तो वॉलमार्ट में तो डेफिनेटली आपको मिल ही जाएगा। ये सिर्फ $6 का फाउंडेशन है और इसका जो कलर मैच है ये डेजर्ट बेज मेरी स्किन पे इतना ज़्यादा परफेक्ट है, लगता ही नहीं है कि मैंने कोई और फाउंडेशन यूज़ किया है, लाइक लगता ही नहीं है कि मैंने फाउंडेशन यूज़ किया है, एक ही तरह मेरी स्किन ही बन जाता है और फिनिश बहुत ज़्यादा अच्छी है। अफोर्डेबल में इतना अच्छा फाउंडेशन, बिल्कुल हाई एंड को टक्कर देता है ये फाउंडेशन। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर से करें, बहुत अच्छी फिनिश है इसकी और सारा दिन रहता है। और बहुत बार ऐसे होता है कि जब मुझे नन्ही सी कवरेज चाहिए तो मैं इसको लेके सिर्फ अपने स्कार एरिया पर डैब करती हूँ एंड देन मैं डैबिंग मोशन में ब्रश को उसी एरिया में ब्लेंड करती हूँ। लाइक कंसीलर के लिए भी मैं यही फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, वो इसलिए इसकी कवरेज अच्छी है, दूसरा इसका कलर मैच इतना अच्छा है कि अगर मैं बाकी चेहरे पे नहीं लगाऊंगी तो चलेगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इम्परफेक्ट दिखना ठीक लगता है ताकि स्कार्स थोड़े हाइड हो जाएं, बाकी फिर
इट्स ओके. सो नंबर वन है मेरा ये फाउंडेशन. सो नंबर टू मेरा होने वाला है मिलानी फाउंडेशन. ये मिलानी का कंसीलिंग प्लस परफेक्ट 2-in-1 है. सो मे बी इसी वजह से इसकी जो कंसीलिंग पावर है बहुत ज़्यादा अच्छी है. जो शेड मुझे अच्छा लगता है वो है नेचुरल बेज नंबर 05A. इस फाउंडेशन की फॉर्मुलेशन बहुत अच्छी है. दूसरी चीज़ है कि कलर मैच भी बहुत अच्छा है एंड जो फिनिश आती है वो बहुत अच्छी वेलवेटी किस्म की फिनिश है. मेरी स्किन ऑयली है, एक्ने प्रोन है, ब्लैक हेड्स हैं, पोर्स हैं और मुझे बहुत ज़्यादा मैट फिनिश वाले फाउंडेशन अच्छे नहीं लगते क्योंकि मेरी स्किन ऑयल निकालती नहीं है. लाइक आपको मेरे चेहरे पर ऑयल निकला हुआ दिखेगा नहीं. सो बहुत ज़्यादा मैट अपने चेहरे को टाइट फील करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. मुझे साटन वेलवेटी फिनिश के फाउंडेशन अच्छे लगते हैं या थोड़े ग्लोई, लाइक चेहरा थोड़ा लुमिनेट लगे. सो इसकी फिनिश बहुत ज़्यादा अच्छी है. अगर आपने इसको ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर से करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा. एंड या जो भी फाउंडेशन मैं आपके साथ शेयर वो उनके नाम क्या है एंड उनका कलर जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी छोड़ दूंगी अगर आपको जल्दी जल्दी में पता नहीं चलेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ. कई बार ऐसे होता है ना. सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी. सो नंबर टू है ये. सो नंबर थ्री फाउंडेशन, 3 and 4 एक्चुअली दोनों सेम लेवल के ही हैं. वो है फिटमी का फाउंडेशन मैट एंड पोरलेस. अभी ये फाउंडेशन है जो ऑयली स्किन के लिए है बट ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा मैट नहीं करता है. अगर आपने एस्टेड लॉडर का डबल वेयर पहना हो वो आपकी स्किन को कैसे मैट कर देता है, वो ऑयली स्किन वाले लोगों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे लोगों को. पर जब मैं वो पहनती हूँ तो मेरा चेहरा इतना टाइट फील होता है, बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है. मैंने बहुत कोशिश की उससे प्यार करने की. मैंने आई थिंक 3-4 बार उसे ख़रीदा, लगाया, कितनी बार उससे प्यार करने की कोशिश की क्योंकि वो बहुत सारे लोगों का होली ग्रेल फाउंडेशन है. नहीं प्यार हुआ. पर ये जो मैट फिनिश है इतनी ज़्यादा अच्छी है आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका चेहरा टाइट है. पर ये ऑयली स्किन वाले लोगों के लिए परफेक्ट है बिकॉज इसकी फिनिश बहुत अच्छी है. तो ड्राई स्किन है अगर आपकी तब भी आप यूज़ कर सकते हैं. जो शेड मेरे हाथ में है अभी वो है 228 सॉफ्ट टैन. कल मैंने मेरे मेकअप वाले एरिया को क्लीन किया और इसकी मुझे लगता है 10-15 बॉटल्स निकली उस एरिया में से. इतना अच्छा लगता है मुझे ये. जब मुझे कुछ भी पता नहीं है कि मैं कौन सा फाउंडेशन लगाऊं, कंफर्ट प्लेस है ये फाउंडेशन. बहुत 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 अच्छा है. सिर्फ $6 का है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये शॉपर्स में या फिर वॉलमार्ट में सेल पे होता है. इसी के साथ मिलता जुलता फाउंडेशन है 24R मेबलिन का 24R फाउंडेशन. जो मैं शेड यूज़ करती हूँ वो है 220 नेचुरल बेज. इसमें पम्प भी है, उसमें पम्प नहीं है. सो ये जो फाउंडेशन है इसमें उससे ज़्यादा है. मैट एंड पोरलेस उनके लिए भी अच्छा है जिनको नन्ही सी कवरेज चाहिए, पर उनके लिए भी है जिनको ज़्यादा कवरेज चाहिए क्योंकि वो बिल्ड हो जाता है. एक लेयर लगाएंगे, दूसरी लगा सकते हैं सिर्फ स्कार वाले एरिया में बिल्ड करने के लिए. पर ये जो है इसकी इसकी जो कवरेज है बहुत ज़्यादा अच्छी है. ये ऑलमोस्ट हुडा के फॉक्स फाउंडेशन जैसा है क्योंकि उसकी कवरेज भी बहुत ज़्यादा अच्छी है. और इसकी भी मैंने वो भी फाउंडेशन ख़रीदा था पर मुझे लगता है कि मुश्किल से मैंने 2 बार यूज़ किया होगा इसको. ये फाउंडेशन उसको पूरी पूरी टक्कर देता है. और मुझे लगता है कि इनके कंपैरिजन की वीडियो मेरे चैनल पे है. इन दोनों के कंपैरिजन की या फिर फिटमी एंड इसकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी अगर मुझे मिलेगी तो. सो ये फाउंडेशन बहुत अच्छी कवरेज देता है, काफ़ी लंबा समय तक रहेगा, स्कार्स को पूरा वैनिश कर देता है. लास्ट बट नॉट लीस्ट वो मेरा रिसेंट फेवरेट है. उसकी भी मुझे लगता है मेरे रिव्यू की मेरे चैनल पर वीडियो होगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी मैं. वो है लॉरियल का एज परफेक्ट रेडियंट सीरम फाउंडेशन. सीरम फाउंडेशन एक्चुअली ये एज्ड लोगों के लिए बनाया गया है बिकेज इसमें बहुत सारे सीरम्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और ये आपके चेहरे को ड्राई नहीं करता है क्योंकि जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आपका चेहरा ज़्यादा ड्राई रिंकली होना शुरू हो जाता है. पर इसकी जो लुमिनस फिनिश है आपके चेहरे को इतनी अच्छी एंड ग्लोई फिनिश देती है कि ऐसे लगेगा नहीं कि आपने बहुत सारा प्रोडक्ट अपने चेहरे पर लगाया है. एंड ये भी बिल्डेबल है, ऐसे फुल कवरेज नहीं है पर आप इससे अपने चेहरे को बिल्ड कर सकते हैं. ऐसे बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक फुल कवरेज फाउंडेशन नहीं है ये, पर आप कवरेज को बिल्ड कर सकते हैं. सो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फाउंडेशन लगता है. जब बहुत बार होता है कि मेरा चेहरा मुझे बहुत ड्राई एंड डिहाइड्रेटेड फील होता है. ये मेरी स्किन की कंडीशन भी है, ऑयली है पर डिहाइड्रेटेड रहती है. लाइक ऐसे लगेगा कि पानी की कमी है, अजीब सा टाइट सा चेहरा. सो उन दिनों में मैं यही वाला फाउंडेशन यूज़ करती हूँ ताकि मेरा चेहरा बहुत नाइस हेल्दी एंड ग्लोई लगे.
इनफैक्ट आज भी मैंने यही वाला फाउंडेशन पहना हुआ है. सो या ये मेरा काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है. जो शेड मैं यूज़ कर रही हूँ वो है 80 गोल्डन सन. सो यस आई एम अ गोल्डन सन. एंड यही 5 फाउंडेशन हैं जो आप ख़रीद सकते हैं. इनमें से कोई सा भी जो आपको लगता है कि अफोर्डेबल है, आपके वहाँ पे सेल पे चल रहा है, तो इन 5 में से कोई भी खरीदें, अच्छी कवरेज मिलेगी आपको. सो यस इस वीडियो के लिए बस इतना ही. उम्मीद करती हूँ अब आपको आपका फेवरेट फाउंडेशन मिल गया होगा. अगर आपकी स्किन ऑयली, एक्ने प्रोन है, स्कार्स हैं आपके चेहरे पे, एंड आपको स्टिल ग्लोई सी फिनिश वाला फाउंडेशन चाहिए, आई होप आपने ये वीडियो को एंजॉय किया होगा. अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड वीडियो को लाइक करना, तभी मुझे पता चलता है कि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं. मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलो दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर. स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग. यू गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग. ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन. दैट्स इट. इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. बाय लालू.